मुजफ्फरनगर में शिक्षा के मंदिर से छात्र और शिक्षक के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। आज परिजनों द्वारा पुलिस में तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि शिक्षक द्वारा छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। दरअसल पूरा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक मोरना के गांव मजलिसपुर तौफीर का है, जहां सूर्यदेव पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक योगेश कुमार के द्वारा पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव तुगलकपुर कमहेड़ा के जेजेएस इंटरनेशनल एकेडमी प्राइवेट विद्यालय में 15 से 20 छात्राओं को रात्रि में प्रैक्टिकल के नाम पर ले जाकर 10वीं और 12वीं के छात्राओं को पूरी रात विद्यालय में रोका जाता है। हम आपको बता दें कि मजलिसपुर तौफीर की नाबालिग छात्राओं के अनुसार तुगलकपुर कमहेड़ा के विद्यालय में बीते 18 नवंबर को टेस्ट कराने के लिए ले जाए जाने पर रात में प्रैक्टिकल के बहाने रोका गया। आरोप है कि जहां खाने एवं पीने के पेय पदार्थ में स्कूल प्रबंधक के द्वारा कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर सबको बेहोश कर दिया गया और छात्राओं की अस्मत के द्वारा खिलवाड़ की गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रैक्टिकल की रात एक शिक्षक के द्वारा एक छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। वहीं पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। 17 छात्राओं में से 2 छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर आज कचहरी परिसर में आकर मीडिया के सामने रूबरू होते हुए अपनी आपबीती सुनाई है। जनपद में शिक्षा के मंदिर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी बनी हुई है। वहीं पीड़ित छात्राएं एवं परिजन लगातार थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामला मीडिया की सुर्खियों में आते ही एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा मुकदमा दर्ज कराते हुए गिरफ्तारी के लिए 5 टीम गठित कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है। अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी के विभाग द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी बेटी जो कि भोपा के एक स्कूल में पढ़ती है, पुरकाजी के एक एकेडमी में एक स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए गई थी और दोनों स्कूल संचालकों के द्वारा छेड़खाने की तहरीर उनके द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को दी गई, जिसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 5 अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स भी शामिल है, उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं और बहुत जल्द ही उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ थाना पुरकाजी के स्तर से की गई लापरवाही के संबंध में एक जांच गठित की गई है। थाना पुरकाजी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से थाने से हटा दिया गया है और यह भी देखा जा रहा है कि इसके अलावा अन्य कौन से पुलिसकर्मी हैं जिसमें इसके द्वारा लापरवाही बरती गई है, और बहुत ही जल्द इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगा हमें तो वहाँ से मीडिया वाले आए थे कल, उसमें पता लगा कि मेरे को भाई वहाँ से तो फिर से कुछ लड़की आई हुई थी 10-12, उनने यहाँ रात को रोक दिए प्रैक्टिकल के बाद में से, और उन्हें रात को कुछ खाने में नशीला पदार्थ मिला और उनकी साथ फिर असली हरकत हुई, जिसमें 2 लड़की के साथ एक लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ। और उसमें जब हमें पता लगा, हमने जब भी जितने भी वहाँ से स्कूल वाले थे सबको बुलवाए, बुलवा कर हमने पता करा भाई प्रैक्टिकल चल रहे या नहीं चल रहे, उसमें पता लगा कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहा। उसके बाद भी मास्टर की मिली भगत थी तौफीर वाले की और तुगलपुर कमेटे वाले की जो स्कूल वाला था, तो उसके हमने पुलिस को रिपोर्ट दी और पुलिस उसे खा कर लेती थी और फिर पैसे ले गए या क्या हुआ वो फिर मास्टर जी रात को छोड़ क्या वो जे पब्लिक स्कूल वाला जो प्रधानाचार्य था कनाडा वाला वो बता रहा है कि हमने यहाँ पे हाँ उसको बता रहा है उनको हमारे यहाँ लड़की रही और रात को भी प्रैक्टिकल के बहाने से रोकी, अगले दिन भी प्रैक्टिकल था लेकिन कोई प्रैक्टिकल नहीं। थाने में आपने किस तरह की शिकायत की थी? हाँ थाने में किस तरह की शिकायत की थी? हमने कहा भाई ऐसे ऐसे घटना हुई और घटना होने के बाद में हमारे यहाँ लड़की को रोका गया और उसमें ही हमने वो कार्रवाई के लिए एसओ आया और एसओ उठा कर उन्हें ले देर रात पंचायत हुई थी। हाँ पंचायत हुई, सभी मास्टर जितने भी थे वहाँ, कल्याणकारी एलएस पब्लिक स्कूल और जितने भी गांव के मान्य लोग थे सभी वहाँ थे सब पंचायत में, और मास्टर ने हम इस बात को कहा मेरे यहाँ लड़की रुकी और लड़की रुकने के बाद में उनको भाई उसमें वहाँ तो फिर से आई थी। प्रधान जी संदेह नहीं होता 8वीं के स्कूल जिसे मान्यता नहीं है वहाँ हाई स्कूल के बच्चे का प्रैक्टिकल कैसे हो जाएगा? हाँ संदेह की बात थी, संदेह में ही हो रहा था जी, नहीं तो जिसके पास मान्यता नहीं वो कैसे प्रैक्टिकल दुआ होगा? कोई सरकार का निर्देश नहीं है कुछ नहीं। किस क्लास की छात्रा है? हाई स्कूल की छात्रा। अच्छा पुलिस ने कार्रवाई क्या की अब तक? पुलिस उठा कर लेगी लेकिन नेताओं के दबाव में क्या हुआ वो परिस्थिति पता नहीं क्या था, वो उन्होंने छोड़ा। अच्छा विद्यालय में बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? हाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हमने उनसे फुटेज मांगी, पत्रकारों ने भी फुटेज मांगी, उनके साथ बदतमीजी हुई और फिर बाद में उसने कह दी जी फुटेज डिलीट हो। ठीक थैंक यू। बच्चों के लिए बहुत ही शरारती और घटना बहुत ही बेशरम की बात है, एक अध्यापक को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पूरा घटना पूरा बच्चे बच्चों को वहाँ
उसमें के प्रैक्टिकल के बहाने ले आया गया है कमेड़े में और वहाँ बच्चों को रात रुका जबकि गार्जियन को उसकी कोई सूचना नहीं है। टीचर रिचाई गद्दे भी लेके गए थे, टीचर ने वहाँ पर लेकर के भी गए और उन्होंने किराए में मंगवाया, पूछा गया तो उन्होंने रजाई गद्दा और बच्चों के साथ उनका व्यवहार बहुत गंदा था। नशे की दवाई भी दी गई उसके साथ साथ उन्हें। क्या घटना हुई? घटना तो यह बच्चों के साथ छेड़छाड़ करी उन्होंने। तब क्या चाहते हो? अब चाहते हैं न्याय चाहते हैं, उसे जेल जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, ब्यूरो रिपोर्ट मुजफ्फरनगर। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, B tech, M tech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.